अच्छी चीज़ें व्लॉग्स में दिखाते हैं, तो बुआ फिर लड़ना स्टार्ट हो जाती है कि अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, ये फ़ोन तो उठे ना, तुम तो फालतू के लिए रखे फ़ोन, फोड़ दें फ़ोन नहीं। कि आप हमेशा ये वाले प्रोडक्ट और स्क्रब यूज़, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं ना हमारे साथ, उतनी अच्छी चीज़ें होती। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कसाना फैमिली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग, हो कि आप सब लोग ठीक हो गए। सो गाइस बताओ मेरी ये टी शर्ट कैसी लग रही है, वैसे मैंने बहुत बार पहनी है व्लॉग में भी शायद। हाँ आई थिंक मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कलर, मतलब ऐसा सब बोल रहे हैं कि अच्छी लग रही है टी शर्ट तेरे ऊपर ये वाली। सो गाइस आज ना मैं कुछ कमेंट्स की रिप्लाई देने वाला हूँ अपने इस व्लॉग में, देखते रहिए आप, बने रहिए मेरे साथ इस वाले व्लॉग में। ये देखो स्नेहा की रिंग लाइट रखी यहाँ पे। सो गाइस मेरे पास ना बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे कि आप हमेशा ये वाले प्रोडक्ट और स्क्रब यूज़ करते हो क्या अपनी स्किन पे। सो उसका रिप्लाई मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं स्किन पे कुछ भी यूज़ नहीं करता कभी भी, मैं सिर्फ नॉर्मल फेस वॉश से मुंह धो लेता हूँ, और अगर फेस वॉश ना भी हो मेरे पास तो मैं साबुन से भी मुंह धो लेता हूँ। मेरे स्किन मतलब मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे को फेस वॉश चाहिए ही चाहिए, अगर फेस वॉश नहीं है तो मैं साबुन से भी मुंह धो लेता हूँ, मान लो बाय चांस ख़त्म हो गया, क्योंकि हम सारे एक ही फेस वॉश यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्किन प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं अपने फेस पे। सो ये था कि मुल्तानी वगैरह मैं लगा लेता हूँ कभी महीने 2-3 महीने में एक बार, और ये सब स्क्रब वगैरह भी मैं कभी बाहर चले गया तो करवा लिया, और ध्यान रहेगी तो कर लिया, नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को करना ही करना है स्क्रब। थोड़ी टैनिंग हो रखी थी इसलिए मैंने की थोड़े से ये सब चीज़ें ले आते हैं, क्या पता थोड़ी सी टैनिंग हट जाए, और ऐसा कुछ नहीं है कहूँगा, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमेशा ये वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हाँ अच्छे प्रोडक्ट है ये वाले, आप यूज़ कर सकते हो आप लोग, बहुत मतलब छोटा सा एक पाउच आता है 10-15 रुपये का, ये वाला क्या हो गया ऐसे की देख रहा है, जिम जा रहा है। सो गाइस अभी जा रहा है जी मेरा, जिम जा रहा हूँ, चलेगा? तबीयत ठीक ना मेरी। सो गाइस मेरे आज बैक भी बहुत पेन हो रही है, पता नहीं क्यों, शायद रात को थोड़ी डिफरेंट पोजीशंस में सो गया मैं इसलिए हो सकता है। और गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर में, पर गाइस मैं इसका ये रिप्लाई देना चाहता था कि मैं कुछ भी नहीं लगाता फेस पे, मेरी नेचुरल स्किन है बिल्कुल, और अगर फेस पे अगर कुछ लगाता भी हूँ तो बीच में मैंने एक बार सीरम वगैरह यूज़ करे थे वो सब चीज़ें, पर वो भी मैं 1 महीने कर पाया था, क्योंकि 1 महीने बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो ही जाती हैं, तो 1 महीने यूज़ करी थी, उसके बाद मेरे को ऐसा कुछ रिजल्ट खास दिखा नहीं था, फिर मैंने यूज़ नहीं करा था कुछ भी। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा मंगवा लूँ वो सब चीज़ें, क्योंकि बहुत लाइक बाहर बाहर निकलता हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे डार्कनेस लगती है फेस पे, और हैवी हैवी बहुत लगता है फेस। सो मैं दिखा मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में अभी। और गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अच्छी चीज़ें व्लॉग्स में दिखाते हैं तो इसका मतलब हमारी लाइफ में सब हैपनिंग चल रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम व्लॉग में नहीं दिखा पाते, और हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हर चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि सबकी लाइफ में चलते हैं अप्स एंड डाउन्स, और अच्छी चीज़ें भी होती हैं बुरी चीज़ें भी होती हैं, पर हम मोस्टली यही रखते हैं कि हम अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ें आप लोगों को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात है कि हम खुद पॉजिटिव हैं तो दूसरों को भी पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहे हैं, और हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं ना हमारे साथ उतनी अच्छी चीज़ें होती हैं, और इसलिए हम अपनी अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें या कोई हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है या कुछ भी है, सबकी लाइफ में होती है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, पर हम ऐसी चीज़ें दिखाना अवॉइड करते हैं, और यूजुअली मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं करता अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें, मैं अपने तक ही रखता हूँ ना, मैं अपने घर में भी बताता कुछ ऐसी चीज़ें, पर हाँ ये है कि सबकी लाइफ में होती है छोटी मोटी चीज़ें, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चल रहे होते हैं, पर हाँ ऐसा है कि अगर मैंने कितनी बार मतलब जितनी बार भी अपनी फैमिली में बताई हैं चीज़ें तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा इन सब चीज़ों के लिए, कि मतलब इस चीज़ का ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है, इस चीज़ का ऐसा सोल्यूशन निकल सकता है। और गाइस यूजुअली ना मेरे को ये कमेंट्स भी आते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। सो गाइस इसका ये रिप्लाई है कि हाँ लाइफ अच्छी है मेरी, और वो अच्छी मैंने खुद बना रखी है, अच्छी चीज़ें सोचोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे
तो आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होंगी, ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ें नहीं होंगी। हाँ होती हैं बुरी चीज़ें, पर जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे, उनकी उतनी अच्छी चीज़ होती है आप लोगों के साथ। और ये कमेंट आता है बहुत कि आपकी फैमिली हमें बहुत अच्छी लगती हैं। सो गाइज, मैं इसका ही रिप्लाई दूंगा कि हाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, हमेशा, लाइक हर चीज़ में। मैं मतलब कुछ भी बोल दिया ना मैंने, तो वो मेरे ना ये रख दिया कि तूने बोल दिया तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, और ऐसा ही होगा जैसे तूने बोल दिया। हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करा है उन्होंने मुझे, या तो मेरा भाई हो गया, भाई ने भी हर चीज़ में सपोर्ट करा है, बहन हो गई, बहन ने भी हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में मेरे मतलब आगे खड़े रहे हैं कि मतलब तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तू पीछे खड़ा रहा हमारे हमेशा। बहन भी मेरे से छोटी है, पर फिर भी वो ऐसे रहती है कि हमेशा सपोर्ट करती है हर चीज़ में। और रही बात मम्मी की, मम्मी भी हमेशा हर चीज़ में ऐसे खड़ी रहती है कि इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, और ऐसे लाइक मतलब सब चीज़ें होता है ना कि सब चीज़ें सर आँखों पर है तुम्हारी। और इसमें मेरी दादी भी ऐसे होती है कि वो मतलब जैसे मैं घर पे नहीं हूँ तो वो कहाँ है, घर में मन नहीं लग रहा दादी का, और अगर मैं घर में नहीं हूँ तो मान लो कोई बाहर से आया तो उनका भी कि आज पीसू ना है घर में, मन ना लग रहा, फिर मतलब ऐसी सब ऐसी बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हाँ इतनी इम्पोर्टेंस है मेरी सबकी लाइफ में। और बुआ बुआ आती है ना, तो बुआ को बहुत सी बार मैं ये होता है कि दोस्त के साथ चले गया कुछ भी, तो बुआ फिर लड़ना स्टार्ट हो जाती है कि हम आए क्यों है, हम तेरे मारे आवे हैं, तुम ही निकल लो सारे सारे ये वो लाइक। पर ये है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है सब चीज़ें, लाइक दादी भी, मम्मी भी, पापा भी। पापा भी होते हैं कि अगर मैं घर पर नहीं ना, वो कहाँ गया आज, वो ना दिख रहा, घर खाली खाली हो रहा है। और बहुत सी बार ये होता है बुआ ही हैं, बुआ को मैं नहीं मिला, मैं कहीं बाहर चले गया कुछ भी किसी काम से, तो बुआ बुए बोलते हैं कि कहाँ है, मन नहीं लगा आज घर में, फिर बाद में मेरे को फ़ोन करती हैं कि तू ना आज घर में, मन ना लगा ये वो। और दादी का ये होता है कि मैं घर पे नहीं हूँ तो हर थोड़ी देर में मेरे कमरे में झाँक कर जाएंगी या वहाँ देखेंगी, फिर फ़ोन मिलाएंगी, मान लो मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो फिर बाद में मुझे बताया फ़ोन करके, फिर ये फ़ोन तो उठे ना, तुम तो फालतू के लिए रखे फ़ोन, फोड़ दें फ़ोन ना ये वो मतलब। पर ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें होता है कि बहुत अच्छी लगती हैं, और इनसे ना ये चीज़ें दिखती हैं कि बहुत मतलब मेरे को बहुत प्यार करती है मेरी फैमिली। हाँ मेरी फैमिली बहुत अच्छी है गाइस। सो गाइस, यही था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और गाइस अब ना मैं रिप्लाई करा करूँगा कमेंट्स का इस पे वीडियोस पे, मतलब पर्सनल कमेंट्स में रिप्लाई नहीं करा करूँगा, मैं वीडियोस पे रिप्लाई करा करूँगा, ठीक है गाइस। तो बुरा मत मानना कि मेरी कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है कुछ भी, बस आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपका नाम लेके मतलब आगे से मैं नाम लेके कमेंट का रिप्लाई करा करूँगा कि उसने ये कमेंट करा था और उसका ये रिप्लाई ऐसे ऐसे करके। सो गाइस, हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लगे, हो सकता है शायद, और बहुत से लोगों को जो मेरे व्लॉग्स पे बहुत कनेक्टेड हैं उनको हो सकता है ये व्लॉग बहुत पसंद आए कि मैंने अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करी हैं इसमें। सो गाइस, मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं भी डेली व्लॉग चल रहा हूँ और आप लोग इतना सपोर्ट नहीं दिखा रहे। सो गाइस, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, सी यू गाइस।